किशनगढ़ वास में आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए रविवार को विधायक कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीपी सुमन की अध्यक्षता एवं विधायक दीपचंद खैरिया की मौजूदगी में आयोजन की गई। बैठक में दीपचंद खैरिया समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्षद और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक दीपचंद खैरिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दिनों में संभावित नगरपालिका चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए आप अभी से तैयार रहें और तैयारी करते रहें। उन्होंने कहा कि कमेटी प्रत्याशी के नाम तय करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय हाई कमान का होगा। वहीं आगामी बैठक रविवार को सुबह 11 बजे करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान विनय व्यास, पत्रकार दौलत भारती, बीपी सुमन, उमेश यादव, राजेंद्र सिंगल, संदीप पाटिल, संदीप अग्रवाल, कमलेश वशिष्ठ, रतन लाल गोड़, नवेद फारूकी सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज विधायक कार्यालय में नगरपालिका चुनाव की बिसात बीत चुकी है और यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया। विधायक जी बताएंगे कि किस बात को लेकर बैठक नहीं, सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके थोड़ा सा उनमें आपस में विचार विनिमय करके ये कार्रवाई अपने अपने क्षेत्रों में करने की शुरुआत करने के लिए आह्वान किया है और आगे जो होगा कार्यक्रम जो पंचायतों का इनका जो चुनावों का आएगा वो अलग से विचित करके जो बताएंगे। हम तो आज सिर्फ कार्यकर्ताओं से बात करने का जी, आगे के लिए टिकटों का जो वितरण होगा वो हमारी कमेटी बनेगी वही करेगी जी। आज क्या निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, क्या कैसे काम? वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करो, तो बहुत से आदमी बैठे हैं, उनको नहीं बुलाओगे तो नाराज ही होंगे, बुला लाओ सबों को जी, यही है और सबों को बुला कर फिर मीटिंग करेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है।